वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 20 यानी कि 20वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले के 19 वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होती है, यही आपके एग्जाम में जो यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें टॉपिक दिया गया है विस्थापन प्रतिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप इसको आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था और कोई एक ताकतवर व्यक्ति आया, उसको उस कुर्सी पर बैठना था, तो वो उस जो कमज़ोर व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था उसको उठाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है और वो जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो बेचारा अलग हो जाता है। तो सेम रिएक्शन होती है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जो लवण का विलयन होता है उससे विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का जो रंग है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें लोहे की कील डाली, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने कॉपर को यहाँ से हटा दिया तो कॉपर तो निकल गया अलग, विस्थापित हो गया, और स्वयं क्या है कॉपर के स्थान पर आ गया तो इसने FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना लिया। ऐसी एक उदाहरण है, जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो क्या हो गया, जिंक ZN हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, तो यहाँ से H2 निकल जाता है और इसकी जगह कौन आ जाता है, जिंक आ जाता है, तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स यही थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन प्रतिक्रिया जो सिलेबस में दे रखी है स्केलर एग्जाम के। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।